टीवीएन देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वल्लों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सभना दा निघा स्वागत। बंदी सिंह गुरदीप सिंह खैड़ा ने पैरोल ते आउण ते बाद दित्ता वड्डा बयान, दस्या कौन कर सकदा बंदी सिंघां नूं रिहा, बादल अते कैप्टन दी वी दसी असलीयत। सुखबीर बादल अते अकाली दल नूं करारा झटका। मोगा विच पुलिस इंस्पैक्टर ते हैरानीजनक मामले विच मुकदमा दर्ज। भारती किसान यूनियन उगराहां विच पई फुट, नवीं जथेबंदी दा गठन। धरती हेठला पाणी बचाउण लई एच एस फूलका ने पंजाब दे किसानां नूं कीती इक खास अपील। अते विआह जां इक सौदा, एक होर नवी ठगी का शिकार होया एक होर परिवार। दोस्तों ये कुछ जानकारियां ने जिन्हां दे उत्ते विस्थारत गलबात की जानी है। इहदे तों पहलां कि इन्हां दे उत्ते गलबात करां, तुहानूं सभनां नूं बेनती है कि पहलां प्रोग्राम देख लैना, सुन लैना, जेकर चंगा लग्या फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ये कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते आओ हुण इहनां सारीआं जानकारीआं दे उत्ते विस्थारत गलबात करिए। लगभग तीन तीन दहाकियां तों कुछ सिंघ ने जिहड़े इस वक्त बंदी ने, उहनां बंदी सिंघां नूं रिहा करवाउण दे वास्ते चंडीगढ़ ते मोहाली दे विच सरहद दे उत्ते सिख जथेबंदियां दे वल्लों बीती 7 जनवरी तों मोर्चा लाया होया। तो उत्थे कल खबरां मिलियां सी कि लगभग 32 वरियां तों सज़ा भुगत रहे बंदी सिंह गुरदीप सिंह खैड़ा मुड़ पैरोल ते बाहर आ गए ने। पैरोल ते आउण तों बाद उन्होंने गलबात की है, तो गलबात के दौरान उन्होंने कुछ वड्डे अते अहम खुलासे किए हैं। टेक सरकार ते टिकी हुई है जां सरकारां ते टिकी हुई है? वह कहिंदे सरकारां नहीं चाहुंदियां कि बंदी सिंह रिहा हो सकण, उन्हां वल्लों सिर्फ ते सिर्फ साडे उपर जे कुछ किया जा रहा है वह कहिंदे सियासत की जा रही है। तो पंजाब दे बंदी सिंह नूं रिहा करवाउण दे वास्ते कौमी इंसाफ मोर्चा चल रहा है। तो दूसरे पासे आ एक चंगी खबर मिली कि भाई चलो किसी नूं तां पैरोल मिली। तो गुरदीप सिंह खैड़ा अपने जद्दी पिंड जल्लूपुर खैड़ा कस्बा रैया जदों पहुंचे तां उत्थे उन्होंने पत्रकारां दे नाल गलबात की। गलबात करदिआं कुछ अहम ते वड्डे इशारे ते खुलासे कर गए। वह कहिंदे सरकारां हमेशा बंदी सिंघां दे उपर सियासत करदियां ने। उन्हां इत्थों तक आख दिता कि सारिया ही जिन्नियां भी सरकारी एजेंसियां ने उन्हां दा रवैया किहो जिहा, उहदे विच रिकॉर्ड साडा शानदार लिखिया गया, रिकॉर्ड सही लिखिया गया। उन्हां इह भी कहा कि वह पहलां भी कई बार पैरोल ते आ चुके है अते उह इस वक्त उन्हां दा रिकॉर्ड की है ये सारिया एजेंसियां दे हक विच लिख रहे ने, उह अंकित करदियां ने। उन्होंने ये भी आख्या कि समय समय सिर पंजाब दीयां सरकारां ने, उन्हां दे मुखियां ने, भाव मुख्यमंत्रियां ने, जिन्हां दे विच उचेचे तौर पर उन्होंने प्रकाश सिंह बादल का जिक्र किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र किया, आह तां कहिंदा हाले नवें ने, इन्हां ने सारिआं ने कहिंदे बंदी सिंह नूं रिहा करन दी सलाह भेजी है समय समय से जदों इन्हां तों पुछिया गया। ये जिहड़े मैं शब्द तुहाडे नाल सांझे कर रहा यह गुरदीप सिंह खैड़ा होरां दे ने। उह कहिंदे इन्हां वल्लों लिखिया जा चुका है कि इन्हां बंदी सिंघां दे बाहर आउण दे नाल समाज नूं किसे तरह का भी कोई खतरा नहीं। वह कहिंदे हुण मैं तुहानूं दस दिआं कि जेकर साडी कोई रिहाई कर सकदा कि सूबा सरकारां दा लिख के दे चुकियां ने, सिर्फ ते सिर्फ सेंटर सरकार कर सकती है, गृह मंत्री गृह मंत्रालय कर सकता है, जां फिर प्रधानमंत्री कर सकती है। इस करके उन्होंने मौजूदा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री अमित शाह अते राष्ट्रपति नूं बंदी सिंघां दी रिहाई दे वास्ते अपील की है कि जल्द बंदी सिंघां नूं रिहा कर दिता जाए। तो अगली जिहड़ी खबर है वह अकाली दल दे नाल संबंधित खबर है। अकाली दल वास्ते एक करारा झटका है। हलका अजनाला तो सबका विधायक अते श्रोमणी अकाली दल के सबका कौमी मीत प्रधान जिहदा नाम बोनी अमरपाल सिंह अजनाला, बोनी अजनाला भी लोग कहिंदे है, बकायदा तौर पर उन्होंने रस्मी तौर पर अपने पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल होरां नूं प्रधान जी नूं एक पत्र लिख के
पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप समेत होरना सारिया जिम्मेवारियों तो फारग होने के लिए अपना अस्तीफा भेज दिता है। तो अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल नूं भेजे गए अपने अस्तीफे दे विच उन्होंने लिखा कि मुढ़ली मैंबरशिप तो भी मैं अस्तीफा दे दिना है। तो उन्होंने फिर ये जिहड़ी अस्तीफे वाली चिट्ठी सी ये प्रेस नूं भी रिलीज़ कर दिती है। उन्होंने कहा कि सुखबीर की अगवाई दे विच क्योंकि दोष लाया उन्होंने, वह कहिंदे सुखबीर की अगवाई दे विच श्रोमणी अकाली दल च हुण सब कुछ चंगा नहीं अते ना ही श्रोमणी अकाली दल पंजाब पंजाबी अते पंजाबी अते ना सिख पंथ के भले के वास्ते कोई काम नहीं कर रहा संविधानक तौर पर अते ना ही जनतक तौर पर। अकाली दल कहिंदे हुण समय का हाणी भी नहीं रहा, यह दोष लाया उन्होंने। वह कहिंदे इस तरह के माहौल दे विच फिर श्रोमणी अकाली दल दे विच रहना असंभव है। बोनी अजनाला दे वल्लों भेजे गए अस्तीफे दे विच सुखबीर बादल ते दरअसल इल्जामां दी झड़ी ला दित्ती है। उन्होंने अपने इस पत्र दे विच लिखिया है कि श्रोमणी अकाली दल की पिठ दे विच विधानसभा चोणां दौरान छुरा मारन वालियां नूं हलका इंचार्ज तक ला दिता, उन्हां नूं होर अहुदियां दे नाल नवाज दिता, पंजाब पंजाबी पंजाबी अते सिख पंथ दे भले दे लई श्री अकाल तख्त साहिब जी के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वल्लों दिता गया सी आदेश। जथेदार इकबाल सिंह झूंदा की अगवाई वाली पड़तालिया कमेटी के वल्लों की गई सिफारिश जा सिफारिशा उन्हां नूं कहिंदे अकाली दल के प्रधान ने पूरी तरह अणगौलिया किया, जिस करके पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तो मैं अस्तीफा भेज रहा। दसना बनता कि हुण अस्तीफा दिता है। बोनी अजनाला पहला भी कई बार अकाली दल के नाल दूरियां वधा चुके ने। तुहानू याद होना एक बार उन्होंने आख्या कि मेरी जान नूं खतरा है, खतरा किहदे तों दस्सिया सी? श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू और साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और उहदे बंदियां तों। इत्थों तक उन्होंने इस मामले नूं लैके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के विच इक पटीशन दायर कर दित्ती सी, दरवाजा खड़का दिता सी। ते हुण उह कहिंदे कि अकाली दल विच कुछ भी चंगा नहीं, मैं मुढ़ली मैंबरशिप तो भी अस्तीफा दे रहा अकाली दल वास्ते अते सुखबीर जी वास्ते, यह झटका है। तो हुण गल करदे आं खाकी वर्दी की। असल दे विच लोकां दा पैचअप करवाउणा, समझौते करवाउणे, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करना, यह काम है खाकी वर्दी का। पर इत्थे दागदार होई है, पर दोवें तरह के बयान की कहिंदे ने मैं तुहाडे सामने रख दिंदे ने। मोगा पुलिस दे वल्लों दो धिरां दे दरमियान राजीनामा करवाउण दे मामले दे विच जांच तो बाद यह गल सामने आई है कि पुलिस इंस्पैक्टर पुष्पिंदर सिंह, हरदीप सिंह हैप्पी, राकेश कुमार अते साबका सरपंच दर्शन सिंह खिलाफ धोखाधड़ी अते होरना धारावां दे तहत फिर मुकदमा दर्ज कीता है। ये जिहड़ा वख-वख धारावां दे तहत थाणा सदर दे विच मुकदमा दर्ज किया गया, उहदे विच दरअसल मोगा जिले के एस एस पी नूं जिहड़ी शिकायत दित्ती गई है, वह शिकायत पत्र दे विच लवप्रीत सिंह बहोना चौंक का रहने वाला उन्हें दोष लगाया है कि वो खिलाफ एक शिकायत पत्र कमलप्रीत कौर निवासी लुधियाना हाल के इटली रही है, जिसकी जांच डी एस पी सिटी गुरशरणजीत सिंह संधू वालों की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो मैं जांच के शामिल होने के वास्ते डी एस पी मोगा के दफ्तर में गया तो मेरी जान पछाण हरदीप सिंह उर्फ हैप्पी नाल हुई, तो उन्हें अपने आप को डी एस पी का भरा दसिया अते नाल ये भी कहा कि जेकर वो अपने मामले का हल करवाना चाहते ने तो उन्होंने आके ग्रीन सिटी कलोनी च मिल लैन, जिस ते कहिंदे मैं तो हल चाहुंदा सी, मैं उत्थे जा पहुंचया। उत्थे कहिंदे उन्होंने मैनू इंस्पैक्टर पुष्पिंदर सिंह पप्पी दे नाल मिला दिता अते ये भी आख दिता कि असी तेरी शिकायतकर्ता लड़की दे नाल 15.5 लाख रुपए विच समझौता करवा सकते हैं। ते नाल उन्होंने कहिंदे मैनू अपने रिश्तेदार पिंड थराज दे साबका सरपंच दर्शन सिंह दे नाल बुलाया, जिस ते कहिंदे फिर मैं उन्हां दी गल मन के 2.5 लाख रुपए उन्हां नूं नकद दित्ते अते 13.5 लाख रुपए का एक चैक दे दिता। इन्हां पैसों दे विच उन्होंने आख्या कि इस तरह राजीनामा करवा देंगे तो बाद च तैनू कोई बुलाऊगा नहीं, तैनू किस तरह की कोई मुसीबत नहीं आएगी। बाद दे विच कहिंदे इन्हां दोषियों ने जिन्हां दे दर्शन सिंह साबका सरपंच अते मुनीम
राकेश कुमार ने जवाब दे दिता। वह कहिंदे ना बई, 15.5 लाख तो हुण गल नहीं बननी, कम तकरीबन डबल हो गया। 15.5 लाख तो कहिंदे ये वध के 30 लाख रुपए ते आ गए कि तेरा मामला 30 लाख रुपए च असीं रफू चक्कर करा सकते, हल करा सकते हैं। जे 30 लाख नहीं देगा तो तेरे ते भाई मुकदमा दर्ज होगा, तुसीं 30 लाख रुपए लाओ। कहिंदे DSP मामला दर्ज फिर नहीं करनगे ते तुहाडे व्याह दे विच नहीं तो समझो विघन पऊगा। कहिंदे मैं उन्हां कोलों पैसों का प्रबंध करन दे वास्ते समय की मोहलत मंग लई ते उत्थों चला गया। इसे तरह कहिंदे कथित दोषियों ने मेरे नाल धोखाधड़ी की ते SSP दे हुक्मां दे उत्ते फिर इहदी जांच हैडक्वार्टर दे वल्लों की गई, जिन्हां जांच दे वक्त यह दस्सिया दोवें धिरां नूं पक्ष पेश करन वास्ते बुलाया भी गया अते जांच तो बाद शिकायतकर्ता दे दोष सही पाए जाने उत्ते खबर मिल रही है कि कथित दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले के संबंधी हुण दूसरी धिर दा पक्ष भी जानने की कोशिश की गई कि तुहाडे ते भाई आ शिकायत आई है, दोष लग रहे ने। पुलिस इंस्पैक्टर पुष्पिंदर सिंह पप्पी कहिंदे कि ठीक है ये मुकदमा तो दर्ज होया पर इस मामले के मैनू झूठा फसाया जा रहा है ता कि मेरा अक्स खराब हो सके। वो कहिंदे ना तो मैं पैसे लए है अते ना इस मामले नाल मेरा कोई लेना देना, पर हाँ मैं किसी भी तरह की जांच मेरे खिलाफ चल रही है जां करनी है उस जांच वास्ते मैं तैयार हाँ। उन्होंने ये भी आख्या कि शिकायतकर्ता ने कहा कि अपनी शिकायत वापस करने लिए मैं SSP नूं लिखिया सी कि इस मामले दे विच इंस्पैक्टर अते साथियों का कोई दोष नहीं, सगों वह सिर्फ राजीनामा करवाना चाहते सी, इहदे तों वाधू कुछ नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी सच्चाई की जांच होनी चाहिए है, मेरे ते मुकदमा दर्ज हो गया कोई चक्कर नहीं, मैनू अदालत ते न्यायपालिका ते पूर्ण तौर पर भरोसा है अते ये भी मैनू पता है कि सच्चाई की अखीर च जित होगी। वो कहिंदे इस मामले दे विच कुछ दिन पहला पुलिस के वलों हैप्पी नूं चुक के इंटरोगेट किया गया सी अते हुण सच्चाई नूं छुपाउण दे वास्ते उन्हें मुकदमा दर्ज करवा दिता। अपने आप दे विच दोवें तरह अपने आप नूं सच्चियां दस रही ने अते पुलिस के उत्ते दोष भी ला रही ने। हुण अगली गल करदे आं कि असीं न्याणे हुंदिआं तों सुणदे आ रहे हां कि एक चबल है इकट्ठ लोहे की लठ अते उह असीं देख भी चुके हां जदों किसानी संघर्ष चलिया, पर उहदे तों बाद जथेबंदियां च लगातार फुट एक दूसरी जथेबंदी दे तां खिलाफ बोल ही रहे सी। आ बीते दिनी तुहाडे नाल खबर सांझी कीती सी कि BKU डकौंदा दफाड़ होई, हुण BKU उगराहां दे विच वी फुट पै गई है। हालांकि मैं कुछ दिन पहला खबर दिती सी कुछ एक इस जथेबंदी के सज्जन कहिंदे सी कि नहीं इस तरह की कोई खबर नहीं, पर वह खबर सच साबित हो गई उत्ते मोहर लग गई है। इस जथेबंदी के एक नेता की अगवाई दे हेठ एक धड़े ने जोगिंदर सिंह उगराहां ते दोष भी लाए ने ते नवें जथेबंदी के गठन का ऐलान भी कर दिता है। उन्होंने 11 तरीक मिथी हुई सी कि लौंगोवाल दे विच नवीं जथेबंदी का ऐलान करांगे, वह ऐलान हो गया। कहने का भाव पंजाब दे विच हुण एक होर नवीं जथेबंदी बन गई है। लौंगोवाल दे विच पंजाब भर के किसानों का एक वड्डा इकट्ठ किया गया नवी किसान जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद का गठन कर दिता गया है। ये गठन का मुढ़ भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे आगू रहे जसविंदर सिंह लौंगोवाल की बर्खास्तगी तो बाद होया है। मंच तो नवें किसान संगठन का झंडा भी बैज भी सोशल मीडिया पेज ये सब कुछ जारी किया गया है। 9 मैंबरी कार्यकारी कमेटी का भी इस वक्त ऐलान किया गया तो ये जसविंदर सिंह लौंगोवाल, दिलबाग सिंह हरीगढ़, मनजीत सिंह नियाल, गुरमेल सिंह मोहली, गुरदेव सिंह गजूमाजरा, करनैल सिंह लंग, गुरप्रीत कौर बरास, दविंदर कौर हरदासपुरा अते बलजीत कौर किला भरिया के नाम शामिल है। इकट्ठ नूं जदों संबोधन कर रहे सी जसविंदर सिंह लौंगोवाल, उन्होंने कहा कि उन्होंने कदे भी जथेबंदी के विधान तो उल्ट कोई कार्रवाई नहीं की, सगों कहिंदे जथेबंदी से चल रहे गलत वर्तारे का डट के विरोध जरूर किया, मैं मुखालफत करता रहा पर विधान के उल्ट कदे नहीं गया। उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी तो बाद समुचे पंजाब के किसानों के फतवे के अनुसार उन्होंने पंजाब के पिंड पिंड जाके फिर लोगों की राय ली। राय लैण तो बाद उन्होंने आख्या कि एक नवी जथेबंदी का गठन कर लेना चाहिए, कहिंदे फिर असीं आ फैसला ले लिया। उन्होंने ये भी आख्या कि यह जथेबंदी
किसानां दी मंग ते किसानां वल्लों किसानां लई बनाई गई है होंद विच आई है। कमेटी मैंबर मनजीत सिंह नियाल ने कहा कि सरकार दीआं जिहड़ीआं कारपोरेट पक्षी नीतियां ने उहनां दे खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। भरातरी जथेबंदियां दे नाल लोक पक्षी फैसलों के उत्ते बेगरज होकर बगैर शर्त असी हमायत करते रहांगे, सांझे संघर्षां दे वल पैद कदमी नाल कदम वधाउंदे रहांगे। दिलबाग सिंह हरीगढ़ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹੌਲੀ ने कहा कि रतन चोड़ सरकारी नीतियां के खिलाफ पिंड पिंड लहर असी खड़ी करांगे। ये सारिया गल्लां उत्थे कीतियां गईयां ते होर कुछ ने भी उत्थे अपनियां तकरीरां कीतियां, पर भारतीय किसान यूनियन उगराहां दे विच्चों एक नवीं जथेबंदी होर पैदा हो गई है। तो हुण गल करदे आं पाणी ही जीवन है, पाणी की गल करदे आं। अपना कल का प्रोग्राम जेकर तुसीं नहीं वेख्या जरूर वेख्यो, उहदे विच धरती हेठले पाणी के संबंधी केंद्र सरकार दे वल्लों एक रिपोर्ट जारी की गई है कि समुचे भारत दे विच धरती हेठले पानी की स्थिति है, पंजाब धरती हेठले पानी का किवें भारत के बाकी सूबे नालों वध निकास कर रहा है, किवें दुरवरतों कर रहा है, वह रिपोर्ट सांझी कीती सी। ते उहदे तों बाद अज खबर मिली है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के उगे वकील अते साबका विधायक एच एस फूलका साहब ने पंजाब के किसानों नूं अपनी जमीन अते पानी नूं बचाउण दे वास्ते सियासी पार्टियां दे पिछे लग के अपनी बर्बादी ना करन लई अपील कीती है। वीडियो वेखनी चाहुंदे हो अपना फेसबुक पेज है TBN कनेडा, उहदे उत्ते इहदी सारी विस्थारित वीडियो भी पई है। उन्हां कहा कि पंजाब दी हरेक सरकार केंद्र तों पैकेज दी मंग करदी है कि सानूं पैकेज दिओ, पर कहिंदे केंद्र सरकार ने कदे कोई पैकेज दित्ता ही नहीं, अते कहिंदे मैं तुहानूं इह वी दस्सदा उहने देणा वी नहीं। इसलिए किसानों धरती के हेठला पानी जमीन के हेठले पानी को बचाने के वास्ते खुद अगे आना पऊ। आ गल मैं अक्सर कहना हुंदा कि हर एक चीज़ की आस उम्मीद सरकार तो छड्ड दिओ, अपने हथीं अपने काम आप सवारन लग जाओ। जदों वह पत्रकारां दे नाल गलबात कर रहे सी तां फूलका साहब ने कहा कि किसानों झोने की काश्त के वास्ते जिहड़ी ASR तकनीक है वह अपनाउणी पऊगी, उहदी कहिंदे मैं तुहानूं सलाह दिंदा। एडवोकेट फूलका साहब ने ASR तकनीक अपनाउण वाले पा प्रैक्टिकल जिन्होंने वह काम किया होया इस तकनीक नूं अपनाउण वाले किसानों भी पत्रकारों के रूबरू किया, तो उन्होंने अपने निजी तजर्बे भी दसे। उन्होंने दसिया कि इस विधि दे नाल पानी की 80% बचत, मजदूरी, कीड़े मर दवाइया, डीजल से होने वाला वाधू खर्चा जिहड़ा वह भी घटदा। जिहड़े किसानों ने इस विधि नूं अपनाया होया उन्होंने दावा किया कि इस विधि के राही झोना लाने 2 क्विंटल तो वह उन्होंने झोने का झाड़ भी मिले। तो उन्होंने ये भी दसिया कि पिछले साल इस विधि के राही 972 एकड़ रकबे के झोना लाया गया सी, ते इस साल उम्मीद है कहिंदे अंकड़ा ये पिछले साल नालों वधूगा, ये रकबा वधूगा। फगवाड़ा के रहने वाले सी अवतार सिंह, उन्होंने कहा कि झोने कुदरती रूप दिते जाण तो बगैर पानी की बचत करना असंभव है। वो कहते कद्दू करके जिहड़ा आपां झोना लाने ना उहदे नाल खेत दे विच 22 दिन पानी रखना पैंदा, जबकि इहदे उल्ट ASR तकनीक नाल बिजाई करते 22 दिन बाद पानी देना पैंदा। दोनों च फर्क देखो किन्ना, एक 22 दिन पानी खड़ा रखना पैंदा, कहिंदे दूसरे पासे 22 दिन बाद पानी देना पैंदा। इहदे नाल पानी की भी इहदे नाल बिजली की भी बचत होंदी है। इस तकनीक नाल कहिंदे खाद कीटनाशक दवाइयां इन्हां दी वरतों दूसरी विधि नालों घट की जाती है। फूलका साहब ने किसान बलजिंदर सिंह दे नाल भी जाण पछाण कराई, उन्होंने इस विधि दे नाल 12 एकड़ झोना लाया सी। उन्होंने दस्या कि प्रति एकड़ 12,000 रुपए का खर्चा घटिया। सरकार दे वल्लों सीधी बिजाई तकनीक नाल झोना बीजण वाले किसानों नूं 1500 रुपया जिहड़ा देना सी उहदे बाद वी उन्हां नूं सवाल पुछ लिया गया। उहदा सवाल बड़ा उन्होंने वधिया दित्ता जवाब, वो जवाब उन्होंने की दिता, कहिंदे जमीन दे हेठला पानी साडा है, धरती साडी है, भविख साडा है, आ 1500 रुपए की झाक छड्ड दिओ, सानू अपने भविख नूं बचाउण वास्ते फसल ते नस्ल नूं बचाउण वास्ते पहल करनी पऊगी। मोगा पिंड दे नत्थू वाला दे गुरप्रीत सिंह, उन्हां कोल सिर्फ 2 एकड़ जमीन है, पर ASR विधि राही उन्होंने भी पिछले साल झोना लाया सी। तो कहते इस बार मैं 3.5 एकड़ जमीन ठेके ते लई है,
ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਪਪਰਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚਾਂਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਠੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 33 ਲੱਖ ਤੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਦਾ। ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਥਾਣਾ ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੀਤੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਕੱਚਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਲਟਸ ਪਾਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੂ ਸੈਟਲ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੇ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਗੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬੱਦਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੀ ਜਾਊ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚ ਰਕਮ ਆਈ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੰਗ ਵਟਾ ਗਏ ਰਾਤੋ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਈ ਅਮਨਦੀਪ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਟਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਸਰ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ 33 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 399 ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਗੁਹਾਰ। SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, DSP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ।
पर डीएसपी साहब भी अगे उही कहिंदे आ। डीएसपी सतनाम सिंह ने अपनी जांच दे विच चरण सिंह, उहदी घरवाली कुलवंत कौर अते उहनां दी धी अमनदीप कौर के खिलाफ लगे सारे इल्जाम तां सही पा लए आ कि इंज होया है, जिन्हां दे आधार ते तिन्हां दे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पर वह इस मामले के मुख्य जांच अधिकारी डीएसपी हैडक्वार्टर सतनाम सिंह ने एक जड़ी गल कही है, वह कहते इन्नी क तां साडी भी जिम्मेवारी बनती है कि विदेश च जां देश दे विच असीं विआह करना है, विआह करिए सौदे ना करिए, चंगी जांच पड़ताल करिए ता कि इस तरह दीआं घटनावां तों असीं बच सकीए। एक परिवार नाल तां इस तरह की ठगी नहीं हुई, अनेकां खबरां होईआं ने कईआं दे पुत्तर खुदकुशियां करके, पर असीं हटदे फिर नहीं, मर्जी फिर तुहाडी है। दोस्तों यह कुल मिला के अपना अज का प्रोग्राम, उम्मीद कर रहे हैं तुहानूं चंगा लग्या होएगा। जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या तां कृपा करके लाइक ते शेयर जरूर कर देना। जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। समा समाप्त है, जाण तों पहलां कहांगा जिंदगी जिंदा दिली दा नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ, सत श्री अकाल ते रब राखा।